सब, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब बताइए। काफ़ी दिनों बाद डायरेक्टली इंट्रो हो रहा है, नहीं तो फिर इधर उधर का हो रहा था। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग अच्छे से बना पा रही हूँ। और मैं घर पे नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे। ऊपर दिख रहा है आपका काजू, दिख रहा है ऊपर ऊपर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे माम भैया नाश्ता कर रहे हैं तो उसका। And as usual, my table is messy, messy, messy. सब ये और इनके पापा और इनके भाई करते हैं। हाँ, तो मैं थी, मेरे हस्बैंड गए थे कॉन्फ्रेंस में ऑफिस के 3 दिन के लिए पचमढ़ी। तो मैं घर पे नहीं थी और यहाँ वहाँ थी, कभी नरगिस के घर, कभी भाई के यहाँ, तो ऐसे ही पड़े हुए थे। कोई इंटरेस्ट नहीं था, आराम कर रहे थे। तो ऐसे ही बन रहा था ब्लॉग, डिनर डाला छोटा छोटा सा। तो अभी आ गए हैं घर पे, 2 दिन हो गया है घर पे आए हुए, मगर शादी थी हिना की तो वहाँ पर जाना आना था, हॉल पास नहीं था। थोड़ा थोड़ा क्लिप्स मैं डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, किसी को पसंद आता नहीं आता इस वजह से। और मेरे घर की हालत बहुत बहुत ख़राब पड़ी हुई है, कि पूरा ठीक करना है। ये तो मैं अभी सो के उठी थी, बिस्तर पड़ा है। और ये भी आप देख सकते हैं, मेरा माशाल्लाह का बोर्ड जो यहाँ पे था दुआ का, नीचे का है, क्योंकि ये जिम का काम चालू हुआ है ना। तो देखिए, मैं दिखा नहीं पा रही कैमरे पे, ये जिम का काम, बाजू से चिपक के जिम है ना, ABS जिम। तो वो काम चालू होने से ना, उन लोगों ने ठोका ठाकी करे तो ये दीवार क्रैक हो गई, और जिसकी वजह से सिलन आ रही है। तो वो बोर्ड खराब हो रहा था, उस पर फंगल लग रहे थे बीच में, वहाँ पर भी था। अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है तो दीवार आधी सूखी है। तो भाजी को बोली हूँ, आप जाके बात कर लेना, अपना तो यहाँ दाना पानी कितने दिन का है पता नहीं भाई। घर देख रहे हैं, थोड़ा बच्चों की एडमिशन वगैरह में बिजी थे, और थोड़ा ऑफिस का भी इनका काम था तो उस पर बिजी थे ये, तभी इधर उधर देखे नहीं है। देखेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। थोड़ा अमीना का भी एडमिशन पेंडिंग ही है अभी, अभी गए हैं वो अयान को छोड़ने, वहाँ से आएंगे फिर हम लोग पिएंगे चाय। और मेरे हस्बैंड के थोड़े जहाँ टूर पे गए थे वहाँ के भी क्लिप्स डालूँगी, और कल जो हमने एंजॉय करे हिना के निके की वो भी क्लिप्स डालूँगी, छोटी छोटी सी। हम लोग बैठे थे मेहमानों के साथ, हिना का, निके में तो मैं शामिल नहीं हो पाई, निका जल्दी हो गया था और मैं लेट हो गई थी जाने में, 2 घंटा लेट थी मैं, यहीं की यहीं पास में रहते हुए भी। उसके लिए सॉरी हिना, और सबको जो भी मुझे देख रहे हैं, सॉरी मैं लेट आई वहाँ पर, मजबूरी थी मेरी भी। और उसके अलावा जब लास्ट में दुल्हन के भाई लोग दूल्हे को गिफ्ट वगैरह देते, वो सब भी क्लिप्स है छोटी छोटी। विदाई मैंने नहीं ली भाई, मेरे को विदाई वो जो मेरी बहन की भी ली थी, कज़न की शिवपुरी पे, तो वो भी मैंने क्लिप नहीं ली थी। वो विदाई के टाइम में मैं सो गई थी, मुझे विदाई नहीं देखना होता, मैं रोना वोना नहीं देख पाती इस वजह से। तो जो भी क्लिप्स है मेरे पास, जो भी मैंने ली है छोटी छोटी सी, वो मैं डालूंगी यही व्लॉग में। और मेरे हस्बैंड जो पचमढ़ी गए थे वहाँ की भी छोटी छोटी क्लिप्स डालूंगी, मैंने उनको बोला था लेकर आने के लिए। वो मैं गई नहीं हूँ पचमढ़ी, मगर मैंने सुना है, क्योंकि मेरे मामा का वहाँ पे, वहाँ जाते दुकानें लगती है मामा की, तो इस वजह से मुझे पता है। मेरा भाई भी जा चुका है कई बार तो मामा के साथ, तो मुझे पता था वो बहुत खूबसूरत प्लेस है। पापा भी जाते रहते थे टूर्नामेंट वगैरह में। तो अब मेरे हस्बैंड गए थे पर्सनली, और अब मोबाइल का ज़माना है भाई, तो मैंने उनसे क्लिप्स मंगाई है वहाँ की, और इंशाल्लाह आगे हम लोग का भी जाने का प्लान है, बनाएंगे इंशाल्लाह। कब क्या वो तो सब टाइम अल्लाह डिसाइड करते हैं, कब किसको कहाँ पहुँचाना रहता है, तो देखते हैं कब निकलता है अपना मुहूर्त कहीं बाहर निकलने का। अभी बारिश में तो कहीं निकलना सही नहीं है। 2 दिन से वैसे माशाल्लाह अच्छा खुला हुआ है मौसम, बाहर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी घर के काम करते हैं। मुझे शादी तो हो गई, रोशन भाभी के मायके वालों को थोड़ा, जो भी रुके हुए हैं, जो कुछ कल रात में ही चले गए हैं शायद से, कुछ आज चले जाएंगे, और जो रुके हुए हैं उन्हें मुझे इनवाइट करना है नाश्ते, तो उनको भी बुलाते हैं हम लोग, वो भी वीडियो बनाएंगे अपन लोग, और आपको दिखाऊंगी। अपन लोग नहीं, मैं बनाऊंगी व्लॉग और आप देखेंगे, ठीक है ना।
तो मिलती हूँ आपको चाय के बाद। सब हाय बोलो। आयशा हाय बोलो, वो भी आएगा, ऐसा वाला भी आएगा। चैन बाबी, निमी, आधा वर्ष, बेगम साहिबा, कैसे हैं आप? हेलो दोस्तों, वेलकम आपको मेरे ब्लॉग पे। देखो क्या पता हो तो गाया भी रहता है। मेरे पर पूरी नजर है आसिफ भाई की। अरे इधर करना, इधर देखना हवा करो हवा। हेलो बाबा, हेलो बाबा, आती मैं हाय करो। हाय हाय, मस्ती के मूड में है। तो फ्रेंड्स, ये शाम का है, सुबह में मतलब वो जो पहले क्लिप देख रहे थे वो दोपहर में निके के टाइम की थी। फिर हमें चेंज वेंज करके आई, हम लोग शाम में बैठे थे विदाई के लिए। विदाई कुछ 7 बजे हुई। दूल्हा दुल्हन ताजबाग गए थे सलामी के लिए, तब तक हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे। ये सब घर के फैमिली के लोग हैं, गेस्ट वगैरह सब जा चुके हैं और बस यूं ही फ़ोटोज़ ले रहे थे। देखिए आमीना और मैं हैं, और ये सब भाभी की चाची और उनकी कज़न्स वगैरह, ये फूफी उनकी बड़ी वाले। और अब यहाँ पर ताजबाग से आने के बाद दूल्हे को साले लोग गिफ्ट दे रहे हैं, घड़ी, अंगूठी और कुछ मेवे का डब्बा है और कपड़े हैं, ये सब दूल्हे के भाई लोग दे रहे। देखिए ये बड़ा भाई है मामा का लड़का राजा भाई, बिलासपुर से आए हैं। फिर कैफ देगा, फिर सुफियान देगा, फैजान देगा, फिर सुफियान देगा। एक एक चीज़ें चारों भाई देंगे। तो सब घर के एक एक लड़के हैं और ये सब मामा मासी लोगों के घर के बच्चे हैं। तो इन लोगों को सबको एक एक जन को एक एक गिफ्ट करने कर कहा था भाइयों में से। तो ये लास्ट है, इसके बाद विदाई होगी। और विदाई का मैंने ली नहीं थी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको, रोना धोना मुझे पसंद नहीं है। उस वक्त मैं अटेंड नहीं करती हूँ वो जगह जहाँ पर भी विदाई होती है। तो बस यहीं तक मेरा व्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हिना के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसको बहुत सारी खुशियां मिले, अल्लाह उसे खूब मोहब्बत मिले, इज्जत मिले उसके ससुराल में। बच्ची बहुत ही प्यारी है, सीधी है, आप लोगों की दुआएं उसके काम आएगी ज़िंदगी में। तो ये था, ये देखिए दूल्हे को दे रहे हैं कपड़े। तो बस ये थी हिना की शादी। और फिर इसके बाद रात में सब मतलब दूसरे तीसरे दिन मेरे घर में मैंने दावत रखी थी क्योंकि इन लोग सब एक एक जा रहे थे। तो सब मामा लोग थे उनके घर में भाभी के दूसरे दिन, और मम्मी भी थे उनके। तो मैंने सोचा कि मैं सबको बुला लेती हूँ। मैंने शाम को फिर दावत रखी थी, आगे देखेंगे आप। पर है ना, मैंने पूरी क्लिप नहीं ले पाई थी, तो आप लोग जो जो बनाई हूँ सिर्फ मुँह से ही बता रही हूँ, कुछ दिखाई नहीं बिरयानी के अलावा। तो गेस्ट लोग भी आए थे तो मैं इतनी बिजी थी क्योंकि बहुत लोग थे। मेरा घर तो छोटा है आप जानते हैं, 2 ही रूम का है, तो मैंने उन लोगों का वीडियो भी नहीं ले पाई थी क्योंकि वो लोग बहुत लेट आए थे। और उसके अलावा
सब मतलब आते जा रहे थे आते जा रहे थे, तो मैं और रोशन भाभी सर्व कर रहे थे, तो मैं बिजी हो गई थी निकाल निकाल के देने में, तो कैमरा कौन पकड़ता कौन शूट करता, मेहमान भी अटेंड कर रही थी और निकाल निकाल के भी देना पड़ रहा था, भाभी ले जा के सर्व कर रहे थे वहाँ पे। तो बस इसी वजह से मैंने शूट नहीं किया क्या क्या पकाया था, पर मुँह ज़बानी मैंने सब बताया, बिरयानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाया, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये व्लॉग को देखिए आगे और अप्रिशिएट कीजिएगा मुझे। हेलो फ्रेंड्स, तो माय कुकिंग इज़ ओवर नाउ एंड माय किचन इज़ आल्सो रेडी, लिटिल बिट मैस इज़ हियर, लाइक वन टॉप एंड वन कढ़ाई बस, और वो अम्बू ने बॉटल रखी है। ओके बाकी ये देखिए मेरा रेडी है, मीठे के लिए पानी के लिए बिरयानी रेडी है, दही बड़े के लिए जीरा बस भुनना भुन गया है, जरा सा क्रश करना है। यहाँ देखिए जैसे मेहमान आए खाना पीना रेडी, सिर्फ कबाब गरम बनाने हैं, कस्टर्ड रेडी है, दही बड़े रेडी है, और क्या बनाया मैंने, बिरयानी कस्टर्ड ढोकला दही बड़े, स्टार्टर में ढोकला। मैंने 5 बजे से बुलाया था उन लोगों को, 6 बजे से, पर उन लोग बाहर गए, ताजबाग गए हैं और रिलेटिव से मिलने जाएंगे बोले, तो लेट हो गए हैं और 8 बज रहा है, वरना तो लोग आते तो ये नाश्ता लेते। अब देखिए ढोकले का तो पक्का नहीं मालूम मुझे, मीठे में है, मिठाई भी है, कस्टर्ड भी है, और जैसे कि 1 मिनट है, फोन आ रहा है, स्लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी बिल्कुल खिली खिली बनी है, देख सकते हैं आप। अब हम निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी बटर चिकन बिरयानी। आयान टेस्ट करके बताएगा कैसी बनी है। आयान, मेहमान अभी तक आए नहीं है, 8:30 बज गए, बच्चों को भूख लग दी है, क्या करूं, सोच रही हूँ दे ही दूँ, सभी बोल रहे हैं भूख भूख। दे दो। ये चिकन का है। नाम बोली ना मैंने अभी, ठीक है। ये क्या जीरा है। हाँ।